हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। डिटरमिनेंट के नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज के तीन शीर्ष दिए गए, तीनों शीर्षों के निर्देशांक गिवन है, तो आप वहां पे फार्मूले अलग निकालते थे। आज हम उसी फार्मूले को हम डिटरमिनेंट से, मतलब अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल हमको निकालने हैं तो डिटरमिनेंट के रूप में हम कैसे निकालते हैं, सारणिक के रूप में हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, इसका फार्मूला है। ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम फार्मूला पाते हैं हाफ मॉड ऑफ x1 x2 एंड x3 y1 y2 एंड y3 देन 111। इसको हम पुट कर देते हैं 111, इसको x1 x2 x3 को कॉलम के रूप में इस तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं। और उसके बाद हम जो है सेकंड कॉलम y1 y2 y3 के रूप फॉर्म में हम प्रेजेंट कर देते हैं। बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं वहां पे 11 प्रेजेंट करके हम डिटरमिनेंट को निकाल लेते हैं। अब इसका मॉड ऑफ निकाल सकते हैं। मॉड ऑफ कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे एरिया आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में इस तरीके से निकालते हैं। फिर हम जैसे हम प्रोसेस करते आए हैं हाफ ऑफ यहाँ पे यक्स, इसको यक्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को आप लेंगे तो इस साइड के जितने भी एलिमेंट्स को उसको आप जो है छुपा देंगे, तो यहाँ पे x1 y2 1 एंड y3 1 इस टाइप से प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, ये प्लस, ये साइन को अल्टरनेट आप लिखते जाएंगे। एलिमेंट्स में प्लस माइनस प्लस इस टाइप से प्रेजेंट आप कर सकते हैं। माइनस y1 मॉड ऑफ y1 मतलब इसके इस कॉलम के एलिमेंट्स, और इसके एलिमेंट्स को आप जो है रिमूव कर देंगे x2 1 x3 एंड 1 इस टाइप से प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्लस 1, वन को जब आप लेंगे तो इसके सारे एलिमेंट्स को आप रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे x2 y2 एंड x3 y3 यहाँ पे आप प्रेजेंट कर देंगे, तो ये आपके सारे जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, और आपको फाइंड आउट हो जाएगा एरिया ट्रायंगल की एरिया। आप इस तरीके से करके आप इसको सॉल्व करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/2 यहां पे रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके आगे, अब हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को हम कैसे इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं, इनवर्स को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे हाउ टू फाइंड ए इनवर्स, हम इसके बारे में बात करेंगे कि ए इनवर्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए हम इस पे चलते हैं, इस टॉपिक पर बहुत ही सिंपल फॉर्म है, इसमें जो स्टेप होते हैं देखिए ए इनवर्स के ही अंदर आपके सारी चीजें आ जाएंगी। अब हाउ टू फाइंड ए इनवर्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके तीन टाइप से आप फाइंड आउट करते हैं ए इनवर्स सदैव जो है थ्री टाइप्स में। पहले तो ए इनवर्स आप इस फॉर्म में पाते हैं 1/mod of A एंड एडजॉइंट A, ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, पहला स्टेप हम सारे स्टेप बता रहे हैं। पहले तो हम A इनवर्स को किस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं, तीन टाइप से। अगर मैट्रिक्स A है तो उसका A इनवर्स आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, एडजॉइंट A निकालेंगे मॉड ऑफ A। सेकंड पॉइंट क्या है, यहां पे आप एलिमेंट्स का ऑपरेशन के थ्रू, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने मैट्रिक्स में आपको पिछली क्लास में बताया है कि एलिमेंट ऑपरेशन के थ्रू या इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्स के थ्रू। फोर्थ है प्रूफ ऑफ इक्वेशन या सिस्टम के जो इक्वेशन का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहां पे सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे आपने
पढ़ा है x इक्वल टू बी इंटू ए, इस टाइप से यहां पे a इनवर्स a इंटू ए इक्वल टू ए, ठीक है ना, i सॉरी i होता है, इस टाइप से a इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्रॉस के मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो आपके इक्वेशन का सिस्टम दिया जाता है, इक्वेशन का सिस्टम कैसे दिया जाता है, कहीं कहीं पर आपके इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। सपोज दैट यहां पर कोई मैट्रिक्स ए रहता है, ए वन ए टू ए थ्री ए बी वन एंड बी टू, बी वन बी टू एंड बी थ्री, सी वन सी टू एंड सी थ्री, इस तरीके से एक्स वन वाई वन एक्स वाई एंड जेड इस तरीके से गिवन होता है। यहां पर कोई वन टू थ्री इस तरीके से दिया रहता है, ए वन ए टू इस तरीके से। इसका मतलब इक्वेशन का जो सिस्टम होता है उसके थ्रू हम ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। अभी हम लोगों को ये पढ़ना है और उस पे, इसको हमने मैट्रिक्स में आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं, तो इन दोनों के बारे में हम ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। इसमें जो है ये 6 मार्क्स का आता है। अब इसको हम इस टाइप के क्वेश्चन में ए इनवर्स तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमको इसके जो है ए इनवर्स जो है यहां पे फाइंड आउट करेंगे, फिर इक्वेशन को सॉल्व करके हम जो है मैट्रिक्स को फाइंड करते, चाहे बी इनवर्स हो सी इनवर्स हो, इस टाइप से। अब इक्वेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अभी हम क्या बात करेंगे, यहां पे बात हम ये करने वाले हैं कि किसी भी ए इनवर्स को निकालने के लिए मैट्रिक्स के मेथड में सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप से ए इनवर्स निकालेंगे जिसमें वन अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट। अब ये एडज्वाइंट क्या होता है, एडज्वाइंट क्या होता है, इसको हम इसके आगे हम बता रहे हैं कि एडज्वाइंट ए, ए के अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया गया है तो उसके लिए ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप ये है, फार्मूला ये पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम मॉड ऑफ ए निकालते हैं नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ए मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। इसका मतलब क्या है कि नॉन, ऐसे मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग, अव्युत्क्रमी, ठीक है ना, अव्युत्क्रमी, अव्यु। इसका मतलब मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो तो तब हम क्या करते हैं कि मॉड ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा, तब मैट्रिक्स, तब हमारा जो मैट्रिक्स है वो एग्जिस्ट करेगा ए इनवर्स निकालने के लिए। इसका मतलब ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स को हम निकाल सकते हैं। पहले स्टेप में क्या करना है, फिर से आप लोग ध्यान दीजिए, एक आपको ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, उसका ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप उस मैट्रिक्स का मॉड निकालेंगे। मॉड निकालने पर अगर वो जीरो नहीं आता है तो इट मींस वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को फॉलो करता है। जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को फॉलो करेगा तो ए इनवर्स को एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब हम ए इनवर्स उस मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप है माइनर, जिसको हम उपसारणिक बोलते हैं, जिसको माइनर बोला जाता है, माइनर इसको हम उपसारणिक बोलते हैं, उपसारणिक, उपसारणिक कैसे हम निकालते हैं, उपसारणिक का जो सिंबल होता है उसको हम एम आई जे से, माइनर का पहला अक्षर जो है एम आई जे, यहां पे रो और आपको इससे पता होगा कि ये पंक्ति और कॉलम का सिंबल है आई एंड जे। तो हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, फाइंड द माइनर, उपसारणिक फाइंड आउट करते हैं। उपसारणिक हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको हम आगे हम प्रोसेस बताएंगे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, यहां पे माइनर फाइंड आउट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनर्स सेकेंड, माइनस जब फाइंड आउट हो जाएगा उपसारणिक तो हम कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं, कोफैक्टर, कोफैक्टर साखंड जिसको बोलते हैं साखंड, तो साखंड इसको हम उपसारणिक बोलते हैं हिंदी में, उपसारणिक। नेक्स्ट है साखंडज
शाखंड माइनर कोफैक्टर आप निकाल सकते हैं। जब कोफैक्टर निकालते हैं तो इसका सिंबल होता है एम आई जे, ये सिंबल होता है इसका होता है सी आई जे, आप लोग अब इससे वाकिफ होंगे। फिर हम उसके बाद एडज्वाइंट ऑफ ए निकालते हैं, एडज्वाइंट निकालते हैं, एडज्वाइंट ए निकालते हैं तो किसका, जो आपको मैट्रिक्स दिया जाता है उसका आप ट्रांसपोज निकालते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज अगर आप ले लेते हैं तो आपको एडज्वाइंट ए प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम ए इनवर्स का प्रोसेस करते हैं, ए इनवर्स एडज्वाइंट यहां निकालते हैं, यहां पे ए इनवर्स का प्रोसेस करते हैं लास्ट में, तो इसको हम शाखंडज एडज्वाइंट मतलब हो गया शाखंडज, और इसको शाखंड बोलते हैं कोफैक्टर, इसको उपसारणिक बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि पहले स्टेप में आपको मॉड ऑफ ए निकालना है, जिसको आपको देखना है कि नॉन सिंगुलर है कि इस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं है, जो मैट्रिक्स आपको गिवन है अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका मॉड ऑफ जीरो हो जाएगा, तब यहां पे ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस कंडीशन में थर्ड वाले में उसके बाद हम क्या करते हैं, कोफैक्टर की हम बात करते हैं, कोफैक्टर हम निकालते हैं, कोफैक्टर निकालने का जिसको हम शाखंड शाखंड बोलते हैं, जिसको हम सी आई जे से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, अब कोफैक्टर निकालने के बाद आपको एडज्वाइंट निकालना पड़ेगा, एडज्वाइंट जब आप निकालेंगे यहां पे एडज्वाइंट ऑफ ए, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज आप लेंगे कोफैक्टर का, अगर ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वहां पे एडज्वाइंट आपको प्राप्त हो जाता है। फिफ्थ नंबर में आपको ए इनवर्स इक्वल टू मॉड ऑफ ए इनटू एडज्वाइंट ए से आप जो है ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका प्रोसेस है ए इनवर्स फाइंड आउट करने का। अब हम यहां पे कुछ चीजें जो है एग्जांपल्स लेंगे, और एग्जांपल्स को लेके हम वहां पे माइनर उपसारणिक और शाखंडज और कोफैक्टर का ट्रांसपोज हम कैसे लेंगे उसको हम बताएंगे। चलिए हम एक एग्जांपल्स ले लेते हैं जिसको जो है आसानी से आपको हम बता सकते हैं, कि जैसे हम 2x2 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स का हम सारणिक बनाते हैं। अब देखिए यहां पे इसको नोट करने के बाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यहां पर हम अब हम यहां पे ज्ञात करेंगे माइनर कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे सपोज दैट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1-2 2x2 का एंड 4 एंड 3, ये एलिमेंट्स है 2x2 का। यहां पे आपको अब माइनर मैट्रिक्स हम कैसे ज्ञात करते हैं, माइनर माइनर उपसारणिक कैसे ज्ञात करेंगे। उपसारणिक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एम आई जे से। तो यहां पे हम निकालेंगे ये 1, ये C1 है, C2 है, R1 एंड R2, इट मींस एम माइनर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स है उसको हटा देंगे, सेम इसको यहां पे लिख लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट एम इसको इस एलिमेंट्स को हटा देंगे, जो एलिमेंट्स बचेगा उसको हम प्रेजेंट टाइम लिख लेंगे, एम 1 2 1 2 देन 4 एंड एम 2 1 इज इक्वल टू -2 देन एम 2 2 इज इक्वल टू 2 2 मतलब 1 1 बचा ना यहां पे, इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे तो बचेगा क्या एलिमेंट्स, 1 बचेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अब इससे हमको जो जो हमारा डिटर्मिनेंट बन रहा है, अब हम बात करते हैं किसका, कोफैक्टर का। कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने के लिए आपको हमने बताया कि को जिसमें इसमें जो को शाखंडज जब हम निकालते हैं C1 एंड C2 निकालेंगे तो उस तरीके से शाखंडज निकालेंगे, जैसे अब M1 हमने लिया, ए के एलिमेंट्स को लिया, बी के एलिमेंट्स को लिया, सी के इसमें देखे A1 A2 इस टाइप से एलिमेंट्स हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, तो इससे हमको एक उपसारणिक प्राप्त हुई। यहाँ पे उपसारणिक कैसे लिखेंगे,
यहाँ पे यम वन वन, यम वन टू, यम टू वन एंड यम टू टू, इस टाइप से हम प्रेजेंट करेंगे। यहां पे लिखेंगे थ्री फोर माइनस टू एंड वन, ये हमारे जो है माइनर, ये जो है माइनर आए उपसारणिक आए। अब उपसारणिक आए तो अब इसमें क्या करते हैं, अगर हमको नेक्स्ट है ये उपसारणिक हो गए सेकंड, अब हमको क्या निकालना है थर्ड कोफैक्टर। कोफैक्टर हम कैसे ज्ञात करते हैं, कोफैक्टर को देखिए इस टाइप से हम ज्ञात करेंगे कि जब हम C11 यहां पे काउंट करेंगे तो माइनस वन की पावर वन प्लस वन पुट करेंगे इनटू M11। इसका मतलब क्या है कि अगर हम IJ यहां पे डायरेक्ट आप देख लीजिए रिलेशन बिटवीन द माइनर एंड कोफैक्टर के बीच जो रिलेशन होता है वो इस टाइप से प्रेजेंट करते हैं, IJ इज इक्वल टू माइनस वन I प्लस J, यहां पे M I इंटू J, मतलब इस टाइप से रिलेशन होता है माइनर और कोफैक्टर में। तो यहां पे C11 इज इक्वल टू माइनस वन वन प्लस वन यम वन वन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी C11 इज इक्वल टू यम वन वन, चूंकि ये टू हो जाएगा ये यहां पे निगेटिव यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं C12 की, तो माइनस वन वन प्लस टू यम वन टू इज इक्वल टू सी वन टू इज इक्वल टू माइनस वन यम वन टू, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यम वन वन, यम वन वन की वैल्यू थ्री थी और यम वन टू की वैल्यू यहां पे चूंकि माइनस है तो माइनस फोर हो जाएगा, यहां पे फोर था तो माइनस फोर आ गया। अब सी टू वन इज इक्वल टू माइनस वन, तो टू प्लस वन यम टू वन इज इक्वल टू सी टू वन इज इक्वल टू देन माइनस माइनस यम टू वन, ये वैल्यू मिली इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज गिवन माइनस एंड माइनस टू इज इक्वल टू टू। सिमिलरली सी टू टू इज इक्वल टू माइनस वन टू प्लस टू यम टू टू इज इक्वल टू सी टू टू इज इक्वल टू यम टू टू इज इक्वल टू यम टू टू की वैल्यू वन। तो यहां से आपको सी वन वन ये सी के मतलब को फैक्टर के जो सारणिक मिले वो आपके मिले सी वन वन सी वन टू एंड सी टू वन एंड सी टू टू, इस तरीके से आपको एक सारणिक मिल गए। अब इस सारणिक की वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हैं, सेम जो जो वैल्यू आई है यहां पे पुट कर दीजिए, थ्री आई है यहां पे माइनस फोर आया है यहां पे टू आया है एंड वन आया है। अब हमको देखिए यहां से माइनर हमको कैसे निकालना है, कोफैक्टर कैसे निकालना है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस जो हमको निकालना था एडजॉइंट, एडजॉइंट हमने क्या बताया था यहां पे आप लोग देखिए, चलिए एडजॉइंट यहीं पे निकाल देते हैं, रफ करने की जरूरत नहीं है। एडजॉइंट सपोज दैट एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमने क्या बताया था कोफैक्टर का ट्रांसपोज, अगर कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमको एडजॉइंट ए प्राप्त हो जाएगा। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज हम कैसे लेंगे एडजॉइंट ए, इसका मतलब इसका जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, तो यहां पे थ्री टू माइनस फोर एंड वन ये हमने ले लिया, कॉलम को रो में रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए तो यहां पे एडजॉइंट ए आ गया। यहां से मॉड ऑफ ए निकाल सकते हैं, इसका मॉड ऑफ ए निकाल सकते हैं आप लोग आसानी से। अगर मॉड ऑफ ए निकालिए सबसे पहले देखिए थ्री माइनस प्लस एट आ जाएगा, तो यहां पे 11 आ जाएगा, मॉड ऑफ 11 जो कि जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसा था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, इसलिए यहां पे ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो वन अपॉन मॉड ऑफ ए इज इक्वल इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहां पे आप लिख सकते हैं वन अपॉन मॉड ऑफ ए मीन्स
11 एडज्वाइंट मीन्स एडज्वाइंट ये हो गया 3 2 माइनस 4 एंड 1। यहां से आप निकाल सकते हैं, अब आप इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ 3 अपॉन 11 2 अपॉन 11 माइनस 4 अपॉन 11 एंड 1 अपॉन 11। ये आपका ए इनवर्स फाइंड आउट हो गया। इस तरीके से ये सारे प्रोसेस है ए इनवर्स फाइंड आउट करने के, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर दिया गया है तो। अब हम बात करते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है आपका, लास्ट टॉपिक में ये दिया गया है कि जैसे कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है जिसको आप सारणिक और अभियोग का अनुप्रयोग बोलते हैं एप्लीकेशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये इस टाइप से दिया जाता है, देखिए बाकी के ये प्रोसेस हैं, इस प्रोसेस को आप ध्यान में रखिए, बाकी हम न्यूमेरिकल जब आपको एक्सरसाइज कराने लगेंगे तो सारी चीजें जो है न्यूमेरिकल्स में स्टेप बाय स्टेप फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है मतलब लास्ट टॉपिक जिसको आप बोल सकते हैं डिटरमिनेंट का, उसमें ये है कि सपोज दैट आपके सामने तीन इक्वेशन दिए गए हैं, तीनों इक्वेशन को ए एक्स इजक्वल टू बी के फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, ए एक्स इजक्वल टू बी के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए इसका प्रोसेस कैसे है, जैसे थ्री इक्वेशन आपके गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू d1 फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू d2, देन a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू d3। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, a1 a2 a3 इस टाइप से, a1 a2 a3, v1 v2 v3, c1 c2 and c3, इस टाइप से हमने प्रेजेंट किया। नेक्स्ट x y and z, सपोज दैट ये टू हमने टू यहां पे एक जेड है cz, यहां पे जेड लगा लीजिए, जेड की भी बात की जा रही है, तो इक्वल टू d1 d2 and d3। अब इसको कंपेयर कराएंगे a क्रॉस x इक्वल टू b से, तो यहां पे a मैट्रिक्स ये हो गया, x के मैट्रिक्स ये हो गए, b के मैट्रिक्स ये हो गए, ये गिवन है। अब यहां से a इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, a इनवर्स हम x इक्वल टू a इनवर्स b से, मतलब x इक्वल टू a इनवर्स b से, इस टाइप से हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम दोनों साइड क्या करते हैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, यहां पे दोनों साइड में इसमें a इनवर्स ax इक्वल टू a इनवर्स b, इस टाइप से हो गया, तो a इनवर्स इंटू a x इक्वल टू a इनवर्स b, इसकी वैल्यू क्या है, a इनवर्स इंटू a इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स, तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे हम प्रेजेंट कर सकते हैं i इंटू x इक्वल टू a इनवर्स b, देन इसका किसी भी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू x आएगी, तो a इनवर्स b, ये आप यहां से इस फार्मूले से आप a इनवर्स निकाल सकते हैं, a इनवर्स आप निकालेंगे। अब हम इसके अकॉर्डिंग जैसे मॉड ऑफ a इक्वल टू 0 अगर है, अब तो अव्युत्क्रमणीय अव्यूह होता है, मतलब उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय अव्यूह में क्या होता है, नॉट मॉड नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। अब इस टाइप से जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो ए मैट्रिक्स दिया है ये मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है ना, अगर ऐसा है तो आप हम सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन से हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे हम जो पिछले में पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे और बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। सपोज दैट अगर जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन दिए हैं आप उसी को फॉलो कीजिए, 2x2 का यहाँ मैट्रिक्स सपोज दैट मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में चाहे 3x3 का भी मिल रहा है,
थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स मिल रहा है, तब भी आप ए इनवर्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस अभी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो हम लोग निकाल रहे थे उसका डिटर्मिनेंट वगैरह निकालने के बाद, मॉड और निकालने के बाद, मॉड निकालेंगे, माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे, तो हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे, ए इनवर्स आ गया, तो यहां से बी मैट्रिक्स ये है, तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे x इक्वल टू उस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे इस टाइप से सपोज दैट आ जाए, यहाँ पे x1, y, x, y and z दिया गया है, तो इधर आप a इनवर्स, सपोज दैट a इनवर्स कोई भी फंक्शन आया हो, तो यहाँ पे a इनवर्स जो भी आएगा, और यहाँ पे b d1 d2 and d3 दिया गया है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इन सभी को कंपेयर करा देंगे, तो यहाँ x, y एंड z की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये आपका लास्ट थ्योरी का लास्ट टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.1 से स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको सारे कॉपी में आप जो है सीक्वेंस वाइज लिखिए। आपको सारी चीजें, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको मेमोराइज रखना है और उसको प्रोसेस को जारी रखना है। ओके।